प्रतापगढ़ की, यहां पर 20 जुलाई को आए चक्रवात पीड़ितों ने लगाई मदद की गुहार। आंधी तूफान से सैकड़ों घर टूट गए, तबाह हो गए। आपको बता दें कि चक्रवात ने एक दर्जन गांव को क्षतिग्रस्त किया है, जिससे करीब 1000 परिवार इस चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। इस बवंडर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए। इस दैवीय आपदा से ग्रामीणों की कमर टूट गई है, हजारों पेड़ आंधी तूफान में उजड़ गए हैं। गांव वाले सड़कों से गिरे पेड़ों को अभी तक हटा नहीं पाए हैं। चिरकुटी, दुर्गागंज, नरहरपुर पट्टी समेत दर्जन भर गांव इसकी चपेट में आए हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग अभी तक उजड़े हुए आशियानों को सवारने की कवायद में लगे हुए हैं। 20 तारीख को यहां पर बवंडर आया था, कई बच्चे लापता हुए थे, स्थितियां बद से बदतर हुई थी, और अभी तक कोई भी ऐसे मुकम्मल प्रयास प्रशासन की तरफ से नहीं हुए हैं जो इन लोगों को राहत पहुंचा सके। लगातार इनकी मांग है कि प्रशासन यहां पर पहुंचे, प्रशासन के अधिकारी यहां पर पहुंचे और जितनी भी संभव मदद इनको दी जा सकती है इस मामले में दी जानी चाहिए। तस्वीर आप देखिए प्रतापगढ़ की है, 1000 परिवार इस चक्रवात से प्रभावित हुए हैं और अभी भी पीड़ितों को अधिकारियों और नेताओं से तमाम उम्मीदें हैं। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधि वहां पर गए जरूर थे, बातचीत गांव वालों से उन्होंने की, ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को सुना, लेकिन अभी भी जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो प्रयास वहां पर नहीं किए गए। पूरा नुकसान हो गया भाई, हमारे हस्बैंड भी घर में नहीं थे, हम बच्चों को लेके अकेले थे घर में, सारी छत गिरने लगी, हमारे ऊपर भी ईंट गिर गई, बच्चों के ऊपर भी गिर गई, पूरी छत गिर गई है, रहने की शरण नहीं है, खाना भी बनाने के लिए कुछ नहीं है। जब तूफान आया तो हम लोग यहाँ पे गेट पे खड़े होकर के देख रहे थे, इधर पूरब तरह से आ रहा था और इतना भयानक था, इतना आवाज तेज थी कि जब पास में आया तो हम बच्चों को लेकर के, अध्यापकों को लेकर सब कमरे में आ गए और इतना आवाज था कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। बगल में पेड़ गिरा, उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। हमारे विद्यालय का किचन है, उसका टीन सेट पूरा उड़ गया और हमारे स्कूल का दो कमरे उधर बने हुए थे, उसमें टीन सेट था, वो भी पूरा टूट गया, उड़ गया पूरा। देखिए लगभग दर्जन भर ग्राम पंचायतों में चक्रवाती तूफान से भारी क्षति हुई है, जिसमें बड़े पैमाने पर बागात का नुकसान हुआ है, वृक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं और लोगों के घर जमींदोज हो गए, एक जनहानि हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। तो लगभग 1000 जो परिवार हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और मदद की आस लगाए बैठे हैं। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए। सुधीर, 20 तारीख को ये सब कुछ हुआ था लेकिन स्थितियां अभी भी बद से बदतर है, क्या कुछ हुआ वहां पर जरा बताइए सुधीर। स्वाति, आपको बता दें कि रानीगंज इलाके में 20 अगस्त को एक चक्रवात आया जिसमें सैकड़ों पेड़ गिर पड़े, हजारों जिंदगियां से प्रभावित हुई हैं और अभी एक हफ्ते बीतने के बावजूद भी वहां की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोग रास्ते में पड़े पेड़ों को खुद हटा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें शासन से आस है कि उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस तबाही में कचरुआ गांव के राम बहादुर है जिनकी पेड़ से दबकर मौत हो गई थी, अभी तक 4 लाख रुपए उनको सरकारी अनुदान मिला है। इसके अलावा और सबकी लिस्ट बनाई जा रही है अभी, हालांकि हजारों लोग प्रभावित हैं और जो शासन का कहना है कि लगभग 250 से ऊपर लोगों की लिस्ट बन गई है और उन्हें आपदा राहत कोष की मदद की दरकार है और सर्वे व सत्यापन पूरा न होने से इन्हें अभी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। चक्रवात से 3 से 6 छप्पर उड़ गए थे, ज्यादातर लोग अभी भी पॉलीथीन को अपना छत बनाकर डालकर रह रहे हैं, करीब सैकड़ों जिंदगी ऐसी है जो पन्नी डालकर रहने को मजबूर है। नरहरपुर गांव और चिरकुट्टी गांव ऐसा गांव जो ज्यादा इस चक्रवात ने ज्यादा वहां को उजाड़ दिया है और सैकड़ों लोग अभी भी मदद की आस के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जी, यानी कि वो मुकम्मल मदद अभी तक उन लोगों को नहीं मिल पाई है जो पहले मिल जानी चाहिए थी। लोग अभी भी सुधीर आस लगाए बैठे, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए सुधीर आपके। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, नोएडा ट्विन टावर को गिराने का मामला